शून्यतई देह साथे मोक्ष हो। अहम नो उद्भव स्थान जंजाड़ी बंधन जो अनात्माहंकार पाछो प्रसव धर्मी छे अहम साथे ममत भावे चतुर्विध गति छे जाते नवनित छू एज रोंग बिलीफ जो पाछू साचू मानी वर्ते भमरड़ा थी प्रीत जो स्वरूपनी बहार कल्पित रूपे जीवे अहंकार आत्मा पुद्गल वच्चे भ्रांति रूपे मरे अहंकार आखो दाड़ो हूँ कर तो आरोपीत अहम जो कषायो ना साम्राज्य मा आभासीत भरम जो पुण्य आने पाप योगे नाचे कूदे भमरड़ा भोग लालच कपट वैर बांधे जगत चकरड़ा मोह मूर्छा अज्ञानंदे तन्मयांग विषय जो चित्त नील बाड़ी जो भी मन गमता विषय भो जगत वस्ते के फकारी गाढ़ू यज्ञान छे निष्केप शुद्ध ज्ञान महाविज्ञान छे सारा सार बान साथे स्व पर नो विवेक हो केवल सतना योगाराधन शुद्धात्मा निरपेक्ष जो निबहार कल्पित रूपे जीवे अहंकार आत्मा पुद्गल वचे भ्रांति रूपे मरे अहंकार सारा सार बान साथे पर नो विवेक हो केवल सतना योगाराधन शुद्धात्मा निरपेक्ष जो शुद्धात्मा निरपेक्ष जो
शुद्धात्मा निरपेक्ष जो। मोक्ष में जाने के लिए किसी क्रिया की जरूरत नहीं है। इस मनुष्य अवतार में से चारों गति में जा सकते हैं और मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। मोक्ष अर्थात मुक्त भाव, परमानंद। संसार के भावों से मुक्ति वही परमानंद है। मोक्ष प्राप्त करना आत्मा का स्वभाव है। हम किससे बंधे हुए हैं? क्रिया से, स्त्री से, तप से, इसकी जांच तो करनी पड़ेगी ना। इसकी जांच करे तभी कोई मार्ग मिल सकता है कि कैसे छूटा जाए। वास्तव में तो सिर्फ स्वयं के स्वरूप का अज्ञान है जिससे हम बंधे हुए हैं। अज्ञान से बंधे हुए सिर्फ ज्ञान से ही छूट सकते हैं। राग द्वेष से बंधे हैं हम? नहीं, सिर्फ अज्ञान से बंधे हुए हैं। अज्ञान रूट कॉज, मूल कारण है। वेदांत में मल, विक्षेप और अज्ञान को तथा जैन दर्शन में राग, द्वेष और अज्ञान को निर्मूल करने के लिए कहा गया है। अज्ञान दोनों में कॉमन है। अज्ञान ही बंधन का रूट कॉज है। राग, द्वेष या मल, विक्षेप तो कॉजेज है, कारण है। रूट कॉज जाए तो उसके साथ सारे कॉजेज अपने आप ही टूटते चले जाते हैं। अज्ञान चला जाए तो अगले भव के बीज कॉजेज पड़ने बंद हो जाएंगे। जब तक अज्ञान है तब तक कर्म बंध तो पड़ते ही है। अज्ञान से मुक्ति यह पहला मोक्ष, और कर्म से मुक्ति, देह से मुक्ति यह दूसरा मोक्ष है। मिथ्या दर्शन जाए और सम्यक दर्शन में आए तो ही छुटकारा हो सकता है। परवशता का एहसास हो तब बंधन का अनुभव होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ के बंधन, घर के बंधन, स्वयं की देह के बंधन और भी न जाने कितने बंधन। बंधन तो जानवर को भी पसंद नहीं है। बंधन की तो असह्य वेदना है। बंधन का अनुभव होने के बाद मुक्ति का मार्ग मिलता है। लोग छूटने के लिए जितने साधन अपनाते हैं वे ही उन्हें बांधते जाते हैं, क्योंकि वे सत साधन नहीं है। यदि सही साधन मिले होते तो हम आज यहां नहीं होते, कब के मोक्ष में चले गए होते। भगवान महावीर ने कहा है, इस काल में इस क्षेत्र से मोक्ष बंद है, लेकिन मोक्ष मार्ग बंद नहीं हुआ है। मोक्ष मार्ग तो खुला है। लोग क्या समझे कि मोक्ष तो बंद हो गया, अतः उल्टी राह पर चलने लगे। भगवान क्या कहना चाहते हैं कि इस काल में इस क्षेत्र में 1,00,000 रुपये का चेक नहीं मिलता, लेकिन 99,999 रुपये और 99 पैसे तक का चेक तो मिल सकता है। यह ट्रेन मुंबई तक न जाती हो लेकिन बोरीवली तक जाती हो तो फिर उस ट्रेन में बैठ ही जाना चाहिए ना। लेकिन ये तो घर से निकले ही नहीं तो मुंबई कैसे पहुंच सकते हैं? कहने का तात्पर्य यह है कि इस काल में मोक्ष बंद है, लेकिन मोक्ष मार्ग बंद नहीं हुआ है। कारण मोक्ष, कॉजल मोक्ष खुला है, और कार्य मोक्ष, इफेक्ट मोक्ष बंद है। मोक्ष के कॉजेज
बीज बोए जाए, फिर कार्य मोक्ष पाने के लिए एक अवतार ही लेना पड़ता है। जो मोक्ष स्वरूप हो गए हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष को फॉलो करे तो कारण मोक्ष मार्ग, कौजल मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है। दीक्षा बिना मोक्ष नहीं, परंतु सही दीक्षा कौन सी है? ज्ञान को ज्ञान में बिठाना और अज्ञान को अज्ञान में बिठाना, उसी का नाम दीक्षा। ऐसी दीक्षा तो भेद विज्ञानी ही दे सकते हैं। ज्ञानी पुरुष कभी कभार एक ही होते हैं और उनसे ज्ञान मिल जाए तो आत्मानुभव हो सकता है। मोक्ष तो यहां नकद होना चाहिए, कैश होना चाहिए, उधार नहीं चलता। भगवान ने कहा है, मोक्ष का मार्ग न मिले तो अशुभ में न पड़े, शुभ में ही रहे। मोक्ष मार्ग मिल जाए तो फिर शुभाशुभ की जरूरत नहीं। भगवान का मार्ग तो शुद्ध मार्ग है, वहां शुभ अशुभ नहीं है, पाप पुण्य नहीं है। पाप और पुण्य दोनों ही बेड़ियां हैं। हिंदुस्तान में जन्म लिया है, अतः देव दर्शन, जप तप, साधु संतों की सेवा, प्रतिक्रमण, सामायिक, ये सब करते हुए शुभ में रहते हैं। शुभ मार्ग क्रिया का मार्ग है और शुभ क्रिया के फल स्वरूप पुण्य बंधेगा। इसी पुण्याई से कभी न कभी ज्ञानी पुरुष मिल जाएंगे। फिर ज्ञानी पुरुष तो जो चाहे सो कर सकते हैं, रोकड़ नकद मोक्ष भी दे सकते हैं, क्योंकि वे स्वयं संपूर्णतः अकर्ता है। ज्ञानी के मिलने के पश्चात उनकी आज्ञा ही धर्म और आज्ञा ही तप है। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। मोक्ष बाह्य क्रियाओं से नहीं होता, ज्ञान क्रियाओं से होता है। ज्ञान क्रिया यानी ज्ञाता दृष्टा के रूप में उपयोग रखना, ज्ञेय को जानना, उसी का नाम ज्ञान क्रिया, और ज्ञेय को समझना, उसका नाम दर्शन क्रिया। अक्रम विज्ञानी श्री दादा भगवान ने कहा है कि मोक्ष मार्ग स्वयं के दोष देखने के लिए है और संसार मार्ग दूसरों के दोष देखने से है। आत्मा और अनात्मा का विवरण हो और दोनों अलग हो, तभी स्वयं के दोष दिखाई दे। फिर तो संसार में रहते हुए भी संसार की उपाधि टच नहीं करती, स्पर्श नहीं करती। कैसे भी इफेक्ट्स, कैसे भी उदय कर्म क्यों ना आए, फिर भी उनसे मैं मुक्त हूं ऐसी प्रतीति निरंतर रहा करे। मोक्ष यानी सनातन सुख, सर्व दुखों से आत्यंतिक मुक्ति। चित्त को सनातन वस्तु में रखना है, स्वरूप में रखना है। जप तप ध्यान योग मंत्र, ये सभी आत्मा की प्राप्ति तक उपयोगी है। आत्मा प्राप्त होने के बाद इसमें यदि चित्त स्थिर हो जाए तो फिर वह भटकता नहीं है और मुक्ति का अनुभव होता है। मोक्ष में जाने के लिए किसी क्रिया की जरूरत नहीं है। सिर्फ उदय में आई हुई क्रियाओं को, कर्मों को आत्म स्वभाव में रहकर करना है। कुदरत करती रहे और आप सिर्फ उसे जानते रहे, यही मोक्ष मार्ग है। संपूर्ण मोक्ष मार्ग कहां होता है? जहां व्यवहार को जरा भी धक्का न मारा जाए, वहां। व्यवहार को धक्का मारने से सामने वाले को दुख होता है, और जहां किसी को भी दुख होता है वहां मोक्ष मार्ग नहीं होता। जहां संपूर्ण व्यवहार, कंप्लीट व्यवहार और संपूर्ण निश्चय, कंप्लीट निश्चय हो, वहां मोक्ष मार्ग है।
आत्मा का मोक्ष नहीं करना है, आत्मा तो मोक्ष स्वरूप ही है, मोक्ष तो अहंकार का करना है। यह देह यही मैं हूं ऐसा मानना यही अहंकार है। मैं कौन हूं यह जानने से, स्वस्वरूप का ज्ञान होने से बंधन टूटने लगते हैं। किसी भी वस्तु को स्वभाव में रहने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसे विशेष भाव में ले जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जैसे पानी को गर्म करना हो तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और ठंडा करना हो तो सिर्फ चूल्हे से उतारना पड़ता है, फिर तो वह अपने आप उसके स्वभाव में आ जाता है। इसी तरह आत्मा भी स्वाभाविक रूप से मोक्ष स्वरूप है। अतः ज्ञानी पुरुष कृपा करके रास्ता दिखाए और उनकी आज्ञा का पालन करे तो मोक्ष होता है। फिर किसी भी तरह की मेहनत या तप नहीं करने पड़ते, मोक्ष सहज है, सरल है, सुगम है, लेकिन प्राप्ति दुर्लभ है, क्योंकि मोक्ष स्वरूप पुरुष की प्राप्ति होनी चाहिए। मोक्ष का मार्ग कौन सा है? विवेक में से सद्विवेक, सद्विवेक में से विनय, विनय में से परम विनय, और परम विनय से मोक्ष। परम विनय यानी इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न देने के भाव। मोक्ष यानी मन वचन काया से मुक्तता, स्वयं के और दूसरों के मन वचन काया असर न करे। मोक्ष यानी मुक्त भाव, सर्व सांसारिक दुखों से मुक्ति, परमानंद, स्वयं स्वयं के स्वभाव में आना, इसी का नाम मोक्ष। और स्वभाव से बाहर जाना, विभाव में जाना, इसका नाम संसार। आत्मा अजर है, अमर है, असंग है, निर्लेप है, देह से अलग है, तो मोक्ष किसका करना है? अहंकार का। अहंकार का मोक्ष हो जाए, अर्थात अहंकार निर्मूल हो जाए, अहंकार का विलय हो जाए, वह मोक्ष हुआ कहलाता है। यहां जीते जी ही मोक्ष का अनुभव हो सकता है। एक भी चिंता उपाधि न रहे, भयंकर उपाधि में भी समाधि रहे, यही मोक्ष है। सभी जाति के लोग बैठे हों, लेकिन किसी को भाषा की दिक्कत न हो, वहां मोक्ष मार्ग है। वहां जैन, वैष्णव, शैव, सभी धर्म के लोग बैठे हों, चोर बैठे हो या कोई यूरोपियन अथवा मुसलमान, फिर भी किसी को भी वाणी की अड़चन नहीं आती, सभी लोग सुन समझ सकते हैं। मोक्ष होने पर आत्मा की क्या गति होती है? आत्मा सिद्ध क्षेत्र में जाती है, वहां प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र रहती है और ज्ञाता दृष्टा और परमानंद में रहती है। आप ऐसे हाथ ऊपर करें तो वह सिद्ध भगवंत के ज्ञान में आ जाता है, पर वे उसमें ज्ञेयाकार नहीं होते, ज्ञानाकार ही रहते हैं, अतः उनको बंधन नहीं होता। मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ दृष्टि ही बदलनी है। अज्ञावस्था में दृष्टि बहिर्मुख होती है, जब तक दृष्टि बहिर्मुख है तब तक दूसरों के दोष दिखते हैं, और जब तक दूसरों के दोष दिखते हैं तब तक संसार खड़ा रहता है। और यदि कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए तो उनकी कृपा करुणा से दृष्टि अंतर्मुख हो, तब निज दोष
स्वयं के दोष दिखने लगते हैं। स्वयं के दोष दिखने से संसार अस्त हो जाता है। देह भावना के बीज बोएंगे तो फल स्वरूप संसार मिलेगा, और आत्म भावना के बीज बोएंगे तो फल स्वरूप मोक्ष मिलेगा। कोई वितराग मार्ग पर है ऐसा कब कह सकते हैं? जब वह सेंटर में, नॉर्मालिटी, ध्रुव में आ जाए तब। कोई तप का कोना साफ करते हैं तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। कोई त्याग का कोना साफ करने में तो कोई शास्त्रों के पीछे पड़ जाते हैं, यानी कि एकांतिक हो जाते हैं। एकांतिक होना यानी एबनॉर्मल होना। यदि मोक्ष में जाना है तो कोई एक कोना साफ करते रहने से, एकांतिक होने से काम नहीं बनेगा। उसमें तो सभी कोने साफ करने पड़ेंगे, संपूर्ण सर्वांगीण शुद्ध होना पड़ेगा, और इसके लिए नॉर्मालिटी, सेंटर में आना पड़ेगा। नॉर्मालिटी में आना, यही मोक्ष मार्ग का प्रथम सोपान है। हाइलाइट्स। मोक्ष में जाने के लिए किसी क्रिया की जरूरत नहीं है, सिर्फ उदय में आई हुई क्रियाओं को, कर्मों को आत्म स्वभाव में रहकर करना है। कुदरत करती रहे और आप सिर्फ उसे जानते रहे, यही मोक्ष मार्ग है। स्वयं के दोष दिखने से संसार अस्त हो जाता है। अज्ञान से मुक्ति, यह पहला मोक्ष, और कर्म से मुक्ति, देह से मुक्ति, यह दूसरा मोक्ष। मोक्ष प्राप्त करना आत्मा का स्वभाव है। शाश्वत दर्पण है, व्यवहार हो चाहे करोड़ों संग, स्वनिश्चय केवल भगवन में, सर्वस्व मेरा पन अर्पण है, भगवान तुम्हारे चरणों में सूचर।